गाइज वेलकम हो चुका है आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम फिर से माइनक्राफ्ट के कुछ कॉपी गेम चेकआउट करने वाले हैं और वो गेम मुझे आप लोगों ने ही बताए तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और लास्ट वाला गेम तो तुम्हारे भाई का भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और लास्ट वाले गेम में तुम्हारा भाई कुछ ऐसे खतरनाक मोड्स लगाने वाला है जिसको देखकर आप लोगों का रिएक्शन भी कुछ ऐसा होने वाला है। वो मोड्स देखकर आप लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाने वाले हो। और उन मोड्स का लिंक मैं आप लोगों को भी देने वाला हूँ, आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है उन मोड्स को। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अभी तक का भाई की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें और सीधा ही स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स गो गाइस। जो हमारे थर्ड नंबर पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है सिमेक्सीक्राफ्ट, मेरा मतलब मैक्सीक्राफ्ट। अबे साले गाइज आप लोग इसकी यूआई देख सकते हैं, देखने की एकदम कूल बनाई हुई है और आप लोग इसके अंदर अपनी स्किन भी लगा सकते हैं। सेटिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेटिंग तो नॉर्मल है, इसमें आप लोगों को न्यू वाले कंट्रोल देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन बाकी सब चीजें माइनक्राफ्ट वाली देखने को मिलने वाली है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। गाइज इसके वर्ल्ड क्रिएट करने का भी देख लेते हैं भाई, यहाँ तक के वर्ल्ड क्रिएट करने का भी गाइज बिल्कुल चेंज है। सर्वर में भी आप लोग खेल सकते हैं इसमें और फ्रेंड के साथ भी आप लोग अपने फ्रेंड को बुला के भी खेल सकते हैं और अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट करके भी खेल सकते हैं। तो मैं जल्दी से वर्ल्ड में चलता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ ये माइनक्राफ्ट कैसा है। ओके ऑलराइट गाइज मैं वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ भाई। इस वाले माइनक्राफ्ट के तो टेक्सचर ही बिल्कुल चेंज है भाई। भाई साहब इतने दिखने के कूल लग रहे हैं भाई इस वाले माइनक्राफ्ट के टेक्सचर। मुझे डेजर्ट में लाके पता नहीं क्यों फेंक दिया कैक्टस भाई, मैंने तोड़ दिया। वाओ इसको देखने गाइस छोटू को कहा जा रहा है इधर आइयो एक मिनट। ये गाइस किसी ने कुछ नहीं देखा, देखा पूरा देखा। और गाइस आप लोग इस वाले माइनक्राफ्ट का वाटर चेक कर सकते हैं भाई, ग्रीन ग्रीन सा शेड दिया हुआ है वाटर में। और गाइस वाटर के अंदर का नजारा तो बिल्कुल ही बिल्कुल एकदम दिखने का कूल है भाई। और ज़ॉम्बी आप लोग देख सकते हैं भाई कितने ज्यादा अजीब लग रहे हैं। और गाइस यहां तक के इस वाले माइनक्राफ्ट के आर्मर एंड टूल के टेक्सचर भी चेंज है। और यहां तक के आप लोग हमारा टोटम देख सकते हैं भाई कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये माइनक्राफ्ट की ग्रैनी का मुंह है टोटम में। भाई ये ग्रैनी क्यों बना दी टोटम में भाई, इतनी ज्यादा बेकार लग रही है। और इलाइट्रा इधर पहनते, नहीं इधर नहीं पहनते भाई, मैं क्या कर रहा हूँ इधर पहनते। गाइस चेक करें भाई पीछे इलाइट्रा क्या टेक्सचर है भाई दिखने का कूल। और टोटम चेक करें भाई कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और गाइस आप लोग बाकी सारे टूल देख सकते हैं आयरन के टूल के जैसे टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल चेंज है। हमारा ट्राइडेंट भी चेंज है और स्वर्ड वर्ड जितने भी गोल्ड के टूल है सबके टेक्सचर चेंज है। और गाइस आप लोगों को इस वाले माइनक्राफ्ट में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएंगे जो कि दिखने के कूल है। मैं आप लोगों को अंदर चल के दिखा देता हूँ कैसे होने वाले हैं अंदर से। तो गाइस ये कुछ डेजर्ट टेंपल की तरह होने वाले हैं। मैं नीचे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। काफी ज्यादा अंधेरा है भाई यहाँ पे, भाई मैं कहाँ आ गया। पूरी मेज बनाई हुई है गाइज, लग रहा है इधर नीचे खोदते हैं भाई नीचे नीचे। गाइज स्पॉनर लगा हुआ है भाई, नीचे चल के देखते हैं जल्दी से। ऑलराइट गाइज मैं नीचे आ चुका हूँ भाई, यहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा है मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले तो भाई मैं लालटेन लगाने वाला हूँ, कम से कम ज्यादा रोशनी हो जाएगी इससे। भाई भाई ये कहाँ से आ गया, ये कौन है भाई, ये स्केलेटन को क्या बना दिया इस वाले माइनक्राफ्ट में भाई, कितने ज्यादा अजीब लग रहा है। हॉरर भाई ऊपर कॉब वेब भाई मजाक कर रहे हैं भाई, कितना ज्यादा अजीब लग रहा था ये भाई। हट जाना, ये हट ही नहीं रहा भाई स्वॉर्ड से। गाइज इन स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा हॉरर चीजें मिलने वाली है, बहुत ज्यादा स्पॉनर मिलने वाले है। ये जो मेरे सामने घूम रहा है इस वाले माइनक्राफ्ट में ये ज़ॉम्बी है भाई। अच्छा सिर्फ मुंडी है उसकी और कुछ नहीं है भाई, वो ज़ॉम्बी है। और इस वाले माइनक्राफ्ट में आप लोगों को काफी सारी मेज और स्पाइडर आप लोग देख सकते हैं भाई। स्पाइडर कैसी है इस वाले माइनक्राफ्ट की, आप लोगों को बहुत ज्यादा अजीब से मॉब देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट में बो आपकी पता नहीं किस तरह से काम करती है भाई, इतने ज्यादा एरो छोड़ी है एक ही बारी में। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, नहीं भाई। और ज़ॉम्बी मरता ही नहीं है भाई इस वाले माइनक्राफ्ट में भाई, इतने ज्यादा एरो क्यों छोड़ी है मेरी बो, मुझे भी नहीं समझ आ रहा भाई। इतने ज्यादा एक साथ एरो कौन सी बो छोड़ सकती है। और गाइज अगर आप लोग गलती से बिना आर्मर के इन स्ट्रक्चर के अंदर आ गए तो आप लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, तो बिना आर्मर के बिल्कुल भी नहीं आइएगा।
मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट के ओर्स के अंदर तो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ओर्स हैं जैसे दिखते हैं नॉर्मल माइनक्राफ्ट में। और गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट के विलेजर देखो भाई, कहां मुंडी है इसकी, कहां कहां सारे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं हर जगह से एक ही जैसा दिख रहा है ये विलेजर। आयस से इसका ये मुंह है जो मुझे देखे जा रहा है बार बार। और गाइस वाले माइनक्राफ्ट में आप लोगों को कुछ न्यू मॉब भी मिलने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। आप लोगों को कोई मॉड वोड लगाने की जरूरत नहीं है, शायद से घास की तरह ही मुझे लग रही है। और आप लोगों को काफी सारे मॉब के एग देखने को मिल जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे इसमें तो आप लोगों को काफी ज्यादा एग्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा न्यू मॉब है। और गाइस ये पता नहीं कैसा अजीब सा मॉब है भाई, नेदर का मॉब लग रहा है शायद, बिल्कुल अजीब सा है। और ये है ज़ॉम्बी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इसकी मुंडी है सिर्फ भाई, ये ज़ॉम्बी की मुंडी पता नहीं इस वाले माइनक्राफ्ट में पता नहीं क्यों दी हुई है हमें और ज्यादा डराने के लिए। पता नहीं गाइस ये माइनक्राफ्ट वाले चाहते क्या है हमसे, इतना डराते क्यों है ये लोग। और गाइस अब नेदर चल के देखते हैं क्या नेदर में क्या क्या चेंजेस की गई हैं। और भाई इस वाले माइनक्राफ्ट के ऑब्सीडियन के भी टेक्सचर बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं भाई, आप लोग देख सकते हैं कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। वाओ गाइस नेदर के टेक्सचर देखें भाई, कितने ज्यादा कूल बना दिए गए हैं भाई, इतने ज्यादा अच्छा लग रहा है ना नेदर, मुझे नेदर में आके ना खुशी मिल रही है पहली बार भाई, इतने ज्यादा अच्छे टेक्सचर बना दिए गए। और भाई घुसते के साथ मुझे लूट भी मिल चुकी है इतनी अच्छी भाई, नेदर में लूट मिल रही है आने के बाद भाई, वाओ बिना कुछ किए भाई। तो जल्दी जल्दी देखते हैं इसकी चेस्ट में ऐसा अच्छा सा क्या है भाई। और यहाँ पे गोल्डन बूट्स पड़े हुए जो कि फायर प्रोटेक्शन 2 है, और यहाँ पे शवल है जो कि नॉर्मल, ऑब्सीडियन पड़े हुए, थोड़ा बहुत ऐसी बेकार सा सामान है। निकलते हैं अब जल्दी से भाई। भाई ये क्या है, ये कौन सा गोलम है, आयरन गोल नहीं, आयरन गोलम नहीं, ये होता है नहीं मशरूम गोलम, नहीं 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 पता नहीं क्या बवासीर बना दिया हो, इसका क्या नाम है यार। मैं तो गाइस पहली बार देख रहा हूँ इस गोलम को, बिल्कुल अजीब सा भाई, मैं इससे फाइट करने वाला हूँ अभी। अब गाइस यहाँ पे होने जा रहा है घमासान युद्ध भाई, आजा आजा नीचे भाई, ये कौन आ गया भाई, कहाँ से आ रहे हैं भाई ये, इससे तो मेरी फाइट भी नहीं थी, मेरे तेरी से दुश्मनी नहीं, आजा बेटा आजा, नेदरराइट का आर्मर है, आजा मार भाई, बहुत तगड़ा मार रहा भाई ये आयरन गोलम की तरह, लेकिन तुम्हारा भाई प्रो है, क्या है तुम्हारा भाई गाइस प्रो भाई, तुम्हारे भाई को मार सकता है क्या कोई, आजा तू भी आजा, तू भी आजा बेटा, तुझे तो हेल्थ कम में मारूंगा, आ तू, तुझे पीछे भगाना पड़ेगा, थोड़ी सी इसने कुटाई ज्यादा कर दी है। गाइस एक और सामने है भाई, सामने की तरफ आ गया, इसने मुझे देख लिया भाई, मैंने तुझे बोला देखने का भाई, बहुत गंदा कूट रहा है, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, भागना होगा भाई, मैं डेढ़ हार्ट पे हूं भाई, जल्दी भाग जल्दी भाग। गाइस इसने मेरी बहुत गंदी वाली धुलाई कर दी है, मैं इसको हल्के में ले रहा था भाई, तू गया बेटा, दो गोलम मार चुका हूं भाई मैं, तो तीसरा भी मारने चला बिना खाना खाए, वाओ क्या मैं प्रो बनने की दादा करता हूँ अपने आप को भाई। आ रहा है वो आ रहा है भाई, कितना ज्यादा चंटे भाई, ये तो पीछे ही पड़ गया भाई, आयरन गोलम भी छोड़ देता है इतने में तो, आजा बेटा अब तू गया बेटा, नहीं नहीं मार सकता बेटा तू, मार नहीं 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 नहीं, गाइस मैं हाफ हार्ट पे बचा वो सिर्फ भाई, मैं मर सकता था बहुत क्लोज, तुम्हारा भाई इसलिए बोलता हूँ गाइस प्रो है। I am noob. और गाइस आप लोगों को इस वाले माइनक्राफ्ट के स्केलेटन तो मैं दिखा ही चुका हूँ भाई, ब्लेज देख सकते हैं आप लोग, क्या दिखने की इतनी ज्यादा कूल लग रही है भाई इस वाले माइनक्राफ्ट की ब्लेज, मुझे भाई कितनी येलो येलो सी और ब्लैक उसकी, उसका हेड देखो भाई। और आगे चल के गाइस मैं दिखा देता हूँ स्लाइम व्लाइम भाई, कितने ज्यादा कूल लग रही है, और यहाँ तक के भाई यहाँ के स्केलेटन से तो मुझे भाई देख के भाई डर लग रहा है। और गाइस मैं ऐसे ही चल रहा था, मुझे एक और चीज मिली भाई इस वाले माइनक्राफ्ट के, आप लोग क्रीपर देख सकते हैं भाई, कितने ज्यादा फनी लग रहे हैं भाई ये क्रीपर भाई, इसकी शक्ल देखो गाइस, इतना ज्यादा फनी लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है पता नहीं एकदम बेकार एकदम घटिया फनी, देख के हंसी आ रही है। और इस वाले माइनक्राफ्ट के ज़ॉम्बी विलेजर देख सकते हैं आप लोग, कम से कम भाई ज़ॉम्बी विलेजर की मुंडी गायब नहीं की भाई, शुक्र। और गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट के टेक्सचर और क्वालिटी देख सकते हैं आप लोग, कितनी ज्यादा कूल लग रही है बिना शेडर लगाए, बिना शेडर इस्तेमाल किए गाइस, इसकी क्वालिटी और ग्राफिक्स आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा कूल लग रही है। और गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट में एंड फ्रेम के टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज कर दिए गए, और एंडर पल के टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज कर दिए गए। और गाइस आप लोग इस वाले माइनक्राफ्ट की एंड सिटी देख सकते हैं भाई, बिल्कुल दिखने की एकदम कूल लग रही है भाई, ये पता नहीं क्या है। और एंडर मैन को देखें भाई इस वाले माइनक्राफ्ट के, भाई इसको क्या हो गया, ये एंग्री हो गया भाई, मैं तो क्रिएटिव में हूँ भाई साहब, मैं तो क्रिएटिव में हूँ, उसको क्यों गुस्सा आ रहा है, अच्छा चला गया मेरे ऊपर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों आ रहा है भाई उसको। क्या गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट की एंडर ड्रैगन ही चेंज होने वाली है, बस मुझे ये देखना है गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट की एंडर ड्रैगन ही तक चेंज है।
बिना मोड लगाए गाइस, अभी के वक्त में कोई भी मोड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ये इस वाले माइनक्राफ्ट की एंडर ड्रैगनी है, ओरिजिनल एंडर ड्रैगनी। भाई कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, ओरिजिनल ही कॉपी है भाई, कॉपी माइनक्राफ्ट की, कॉपी एंडर ड्रैगनी, ऐसा समझ लो भाई। ये एंडर ड्रैगनी मैंने आज तक नहीं देखी भाई, भाई कितना ज्यादा अच्छी लग रही है भाई, मैं खुश हो गया हूँ भाई आज। गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट को आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, और यहाँ तक के एंड क्रिस्टल का भी टेक्सचर चेंज कर दिए गए इस वाले माइनक्राफ्ट के। गाइस सब चीजों का टेस्ट हो रहा है, तो TNT टेस्ट भी कर लेते हैं, क्या ये माइनक्राफ्ट लैग करता है या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, मैंने काफी सारी TNT लगा दी हैं, और भाई चोर के बच्चे ये लोग TNT चुरा चुरा के भाग रहे हैं भाई। भाग कैसा गया? जैसे ही मैंने देखा भाग गया भाई, कितना ज्यादा चंट है, TNT चोर है भाई यहाँ पे। अबे साले, मैंने जला दिए भाई यहाँ पे भाई, बहुत ज्यादा धमाकेदार कोई धमाका होने वाला है, ये तो कुछ मैच ना हुआ, लेकिन भाई बिल्कुल भी लैग नहीं हुआ भाई, माइनक्राफ्ट लैग होते ही नहीं है कॉपी वाले। तो चलो गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट में तो इतना ही था भाई, बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर के माइनक्राफ्ट की तरफ, वो भी बिल्कुल कूल होने वाला है, इससे भी ज्यादा शायद। भाई ये लोग एंग्री हो चुके हैं, मैं भाग रहा हूँ। और गाइस हमारे जो सेकंड नंबर पे जो माइनक्राफ्ट आता है, इस माइनक्राफ्ट का नाम है लॉकी क्राफ्ट। वो खाने वाली लॉकी नहीं है, माइनक्राफ्ट का नाम है लॉकी क्राफ्ट। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? गाइज अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें, तो सेटिंग हमारे ओरिजिनल माइनक्राफ्ट वाली है, बस इसमें हमें न्यू कंट्रोल देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि सबसे बड़ी सैड बात है भाई, हमारे न्यू कंट्रोल उसमें भी नहीं थे ना इसमें। और गाइज इस वाले माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड क्रिएट करने का बिल्कुल पिछले वाले माइनक्राफ्ट जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें आप लोग सर्वर में भी और फ्रेंड के साथ भी और वर्ल्ड में भी खेल सकते हैं। तो मैं जल्दी से वर्ल्ड में चलता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ ये माइनक्राफ्ट कैसा होने वाला है। ऑलराइट गाइज, मैं वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ भाई। इस वाले माइनक्राफ्ट की ग्राफिक्स तो भाई उससे भी ज्यादा अच्छी है भाई, इतना ज्यादा कूल लग रहा है दिखने का, बिना शेडर लगाए भाई, इतना ज्यादा कॉपी लग रहा है ना माइनक्राफ्ट को, ऐसा लग रहा है बिल्कुल उधर से उठा के इधर ही छाप दिया बिल्कुल भाई, इतना ज्यादा भी कॉपी नहीं बनाते भाई। और गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट के अगर स्वॉट के टेक्सचर देखें, तो भाई बिल्कुल सेम टू सेम है, आर्मर के टेक्सचर बिल्कुल स्वॉट के टेक्सचर एकदम सेम टू सेम हमारे नॉर्मल माइनक्राफ्ट ओरिजिनल माइनक्राफ्ट वाले ही बनाए हुए, टोटम भी बिल्कुल सेम है। मुझे लग रहा है गाइस ये कॉपी माइनक्राफ्ट बनाने वाले ना भाई, ये मौजंग वालों का धंधा बंद करवाएंगे भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऑलराइट गाइस, मैं नेदर आ चुका हूँ, नेदर भी बिल्कुल सेम टू सेम हमारे ओरिजिनल माइनक्राफ्ट वाला है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, ना ही मॉब में चेंजेस है, ना इस बार गास्ट वास्ट किसी में भी चेंजेस नहीं है। और गाइस इस वाले जगह का नाम मैं भूल चुका हूँ, पता नहीं क्या होता है, एक तो मैं नाम भूल गया इस जगह का, याद नहीं आ रहा गाइस। भाई ये भी बिल्कुल सेम टू सेम हमारे ओरिजिनल माइनक्राफ्ट वाला बना हुआ है। और गई इधर चेस्ट बड़ी भी है, इसमें देखते हैं क्या लूट है भाई, कितनी ज्यादा अच्छी लूट है भाई। ये भाई एफिशिएंसी 1 की पिकेक्स मिल रही है, वो भी डायमंड की। आपको स्वॉर्ड मिल रही है स्मार्ट 2 भाई, गोल्ड के ब्लॉक, और यहाँ पे हमें मिल रही है फॉर्चून 1 अनब्रेकिंग 3 और एफिशिएंसी 3 भाई, पिकेक्स मिल रही है डायमंड की भाई, कितनी ज्यादा अच्छी लूट है भाई। और वैसे तो भाई दिखने का ये काफी ज्यादा बड़ा है भाई, यहाँ पे फुल लूट मिलने वाली है आपको। और गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट की आप लोग एंड सिटी देख सकते हैं, और हमारे एंडरमैन चाचा बिल्कुल फिर से जवान हो चुके हैं, मेरा मतलब उसमें बुड्ढे नहीं थे, मैं कोई बेइज्जती नहीं मार रहा हूँ एंडरमैन की। और भाई इस वाले माइनक्राफ्ट की एंडर ड्रैगनी फिर से सेम है भाई, मैंने कितनी बार बोला इसको चेंज कर दो, इसको हर माइनक्राफ्ट में बिल्कुल एकदम दिखने का अच्छा बनाओ, कम से कम इसको मारने में भी मजा आए ना। और गाइस अब सब चीजें हो रही है, तो TNT टेस्ट भी कर लेते हैं भाई, जल्दी से मारते हैं भाई इसको, एंड सिटी को बिल्कुल तबाह करके जाते हैं यहाँ से। क्या हमारा ये वाला माइनक्राफ्ट लैग होता है, और लैग होता है तो कितना लैग होता है भाई, बिल्कुल भी नहीं हुआ लैग तो हुआ, लेकिन एकदम सही भाई, इतना ज्यादा स्मूथ कैसे है ये माइनक्राफ्ट, जा पूछ क्या। गाइज मैं एक और बार टेस्ट करने वाला हूँ TNT टेस्ट भाई, ऊपर जाके करने वाले हैं भाई, इतनी हाइट पे जाके इसको हम अप कर देते हैं, जला देते हैं भाई सारी TNT को, जलाते हुए जाएंगे। अब देखते हैं गाइज क्या हमारा माइनक्राफ्ट लैग करता है भाई, काफी सारी TNT है भाई, उड़ उड़ के जा रहे हैं भाई, भाई बिल्कुल भी लैग नहीं है भाई, ये देख रहे हो मेरी स्क्रीन भाई कितनी ज्यादा स्मूथ चल रही है, लैग तो है ही नहीं भाई इतने माइनक्राफ्ट में, तो हमारा माइनक्राफ्ट कब का तबाह हो चुका होता। तो चलो गाइज इस वाले माइनक्राफ्ट में तो इतना ही था, इन दोनों माइनक्राफ्ट में से आप लोगों को कौन सा माइनक्राफ्ट अच्छा लगा आप लोग मुझे कमेंट कर अभी के अभी बताएं। और अब बढ़ते हैं अपने लास्ट वाले माइनक्राफ्ट की तरफ, जो कि एकदम धमाकेदार माइनक्राफ्ट होने वाला है। और गाइस उस वाले माइनक्राफ्ट में तुम्हारा भाई यूज करने वाला है OP मोड, जो कि एकदम धमाकेदार मोड होने वाले हैं उस माइनक्राफ्ट की तरह, और वो सारे मोड्स मैं आप लोगों को भी देने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सीधा ही बढ़ते हैं अपने लास्ट वाले माइनक्राफ्ट की तरफ, लेट्स गो गाइस। जो हमारे लास्ट नंबर पे जो माइनक्राफ्ट आता है, इस वाले माइनक्राफ्ट का नाम है क्राफ्ट्समैन बिल्डिंग क्राफ्ट। इस वाले माइनक्राफ्ट में तुम्हारे भाई ने इस्तेमाल किया सबसे पहले तो फेदर क्लाइंट, और इस वाले माइनक्राफ्ट की सेटिंग आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें तुम्हारे भाई ने फेदर क्लाइंट इस्तेमाल किया है, शेडर इस्तेमाल किया, और साउंड इफेक्ट वाला मोड इस्तेमाल किया।
आपको आगे गेम में पता चल जाने वाला है। तो गाइस मैं ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ, जल्दी से वर्ल्ड में चल के दिखाता हूँ ये माइनक्राफ्ट दिखता कैसा है। ऑलराइट गाइस मैं वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ। सबसे पहले आप लोग ये साउंड सुने जरा। तो गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट में मैंने यूज किया है एम्बिएंट साउंड मोड। तो आप लोगों को ये कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और इस वाली वीडियो में छोटा सा प्यार से कमेंट कर दें। और गाइस आप लोग इस वाले माइनक्राफ्ट का वाटर देख सकते हैं, क्लियर वाटर दिया हुआ है इस वाले माइनक्राफ्ट में आप लोगों को। कुछ भाई इतनी ज्यादा कूल मिलने वाला है ना माइनक्राफ्ट भाई, इतनी सारी चीजें लगाने के बाद। और गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट में कुछ इस तरह के आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाले जिनको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तोड़ देना है। खराब हो जाएगा मैं बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और गाइस आप लोगों को कुछ अलग अलग तरह के इस वाले माइनक्राफ्ट में स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाले हैं। पता नहीं ये क्यों बनाए हुए, लेकिन भाई इनको लूट सकते हैं आप लोग। इसमें काफी सारा अच्छा अच्छा सामान पड़ा हुआ होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ अच्छा, तो आप लोग लूट सकते हैं। और गाइस अगर इस वाले माइनक्राफ्ट के टेक्सचर की बात करें तो भाई इस वाले माइनक्राफ्ट में पता नहीं कौन सीटी मारे जा रहा है भाई, इतनी देर से सीटी की आवाज आ रही है भाई। मैंने साउंड इफेक्ट वाला मोड डाला हुआ ना भाई, इतना ज्यादा हॉरर माइनक्राफ्ट लग रहा है ना मुझे भाई। टेक्सचर तो एकदम नॉर्मल है और टोटम का टेक्सचर फिर ग्रैनी वाला आ गया, इलाइट्रा का भी बिल्कुल सेम है भाई। पिछले भाई सब फर्स्ट वाले माइनक्राफ्ट के जो टेक्सचर थे ना, बिल्कुल इस वाले माइनक्राफ्ट में वैसे ही टेक्सचर है गाइस, लिटरली भाई मुझे अभी डर लग रहा है भाई। आप साउंड इफेक्ट सुने भाई, सीटी का साउंड इफेक्ट आ रहा है भाई। ऑलराइट गाइस मैं नेदर आ चुका हूं। नेदर में भाई ये देखो भाई ब्लेज है भाई, ये गाइस ये ब्लेज है। और भाई ये कैसा मॉप है भाई, इसमें हम लोग सामान रख सकते हैं भाई। चेस्ट वाली अजीब सी कोई चीज बनी हुई है भाई, अगर मैं क्रिएटिव में अभी सर्वाइवल में आया ना भाई, ये लोग मुझे पीट डालेंगे। और गास्ट कितनी अजीब सी कर दी भाई, स्केलेटन हमारे फर्स्ट वाले माइनक्राफ्ट में जो स्केलेटन था ना, बिल्कुल उसकी था ना भाई, ये गास कर दी भाई। इस वाले माइनक्राफ्ट में भाई मुझे नहीं रहना भाई, मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है भाई, मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है भाई। और क्या गुंडा बनेगा रे तू। और गाइस आप लोग इस वाले माइनक्राफ्ट को एकदम क्लियर वाटर देख सकते हैं भाई। उधर क्या है भाई, ये क्या है भाई, पंपकिन लगा हुआ। और भाई मुझे सीटी की आवाज पता नहीं क्यों आ रही है भाई, कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। और मैं जंगल की बिल्कुल आवाज आ रही है भाई, कितना ज्यादा हॉरर लग रहा है भाई, आप लोग फील करो भाई, इतना ज्यादा हॉरर लग रहा है मुझे। गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट के ओर्स में तो चेंजेस नहीं किए गए हैं, बस आउटलाइन आ गई है फेदर क्लाइंट लगाने के बाद, बिल्कुल नॉर्मल ओर्स हैं जैसे ओरिजिनल माइनक्राफ्ट के होते हैं। गाइस एक बार आप लोग चेक करें भाई कैसी कैसी आवाज आ रही है। भाई दिखने का कितना ज्यादा कूल लग रहा है भाई। और ये क्या है भाई, भाई स्केलेटन की मुंडी बड़ी हुई है भाई। गाइस ये माइनक्राफ्ट जितना ज्यादा कूल है ना, उससे कई गुना ज्यादा हॉरर है भाई, आप लोग देख कर खेलिएगा। और गाइस भाई इस वाले माइनक्राफ्ट के विलेजर देखो भाई, खरगोश की शक्ल के विलेजर बना दिए गए, मुझे हंसी आ रही है भाई, इतने ज्यादा फनी लग रहे हैं। और भाई ये भी एकदम सेम बनाई हुई है भाई, हमारे जो फर्स्ट नंबर पे माइनक्राफ्ट था उसके जैसी भाई। ये पता नहीं क्या है भाई, न्यू मॉब इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और रेड वाली को देख लेते हैं भाई, रेड वाला ये क्या है भाई रेड वाली इसकी जैसी है भाई, भाई सेम टू सेम है भाई। यहाँ पे भाई आयरन गोल नहीं, आयरन नहीं, मशरूम नहीं, पता नहीं भाई इसको क्या कहते हैं यार, भाई कितना ज्यादा अजीब ही लग रहा है, इसको मैं मारूंगा उछल उछल के। गाइस सब चीजों का टेस्ट हो रहा है, तो TNT टेस्ट भी कर लेते हैं भाई जल्दी से। क्या ये हमारा माइनक्राफ्ट लैग करता भाई, इतने सारे मोड लगाने के बाद लैग तो करेगा भाई। भाई देखते भाई, लैग तो नहीं किया अभी, तो नहीं किया लेकिन हुआ। गाइस मेरी पूरी स्क्रीन लैग हुई थी, लेकिन एकदम सही क्यों हो जाता है ये, लैग होता है एकदम सही हो जाता है, लैग होते ही सही हो जाता है भाई। और गाइस वाले माइनक्राफ्ट के एनिमल देख सकते हैं, ये हमारी काव है जो कि बिल्कुल एकदम हॉरर लग रही है। और गाइस वाले माइनक्राफ्ट का आयरन गोलम भी आप लोग देख सकते हैं, कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, बिल्कुल आयरन वाली लुक दी हुई है। और गाइस मैं विलेजर तो आप लोगों को दिखा चुका हूँ भाई, इसके घर भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, इनके घर में क्या लूट मिलने वाली है। तो चेस्ट खोलते हैं भाई, इसमें नॉर्मल लूट मिलने वाली है जो कि हमारे हर विलेज में होती है। और गाइस आप लोग इस पूरे विलेज का लुक देख सकते हैं इस वाले माइनक्राफ्ट के, बिल्कुल नॉर्मल विलेज लग रहा है लेकिन इसके विलेजर और एनिमल बिल्कुल चेंज है। और गाइस हमारे इस वाले माइनक्राफ्ट की एंड सिटी बिल्कुल हमारे फर्स्ट नंबर के माइनक्राफ्ट जैसी है, एंडरमैन फिर से बुड्ढे हो गए। इस वाले माइनक्राफ्ट की एंड सिटी की आप लोग लुक देख सकते हैं, एक बार अगर हम नीचे गिरे तो वापस कभी ना आएंगे। और गाइस इस वाले माइनक्राफ्ट की एंडर ड्रैगनी आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे फर्स्ट नंबर के माइनक्राफ्ट जैसी एंडर ड्रैगनी है भाई साहब, बिल्कुल एकदम बिल्कुल चेंज किया ही नहीं है भाई इन दोनों में लग रहा है मुझे। और एंड क्रिस्टल के टेक्सचर भी बिल्कुल गाइस सेम टू सेम है। गाइस अभी मेरा दिल चाह रहा भाई इस एंडर ड्रैगनी को मार देखा भाई। तू पागल है क्या? अबे तू पागल
कातिल। मुझे ना न्यू अंडर ड्रैगनी को मारने का बहुत दिल है भाई, इसको मैं मार के जाऊंगा। बिना एंड क्रिस्टल फोड़े तुम्हारा भाई आज एंडर ड्रैगनी मारेगा भाई। ये एंडर ड्रैगनी तो आज जाएगी भाई, पक्का पक्का ये मरेगी भाई। इसकी काफी ज्यादा तुम्हारा भाई हेल्थ ले चुका है भाई, इसको फिर से मारते हैं। ये आ चुकी है भाई, इतने सारे एंडरमैन, बुड्ढे एंडरमैन आ गए, इनको मैं मारूंगा भाई। मारने तो यार तुम्हें क्या है भाई, सारे मिलके मुझे मार रहे भाई। भाई इधर आइयो, उसको मारते हैं भाई। भाई मैं मरने वाला हूँ भाई, ये सारे मेरे ऊपर आ क्यों गए भाई, मैंने तो इनको कुछ कहा ही नहीं। ये लो मार दिया यार, मैं जा रहा हूँ। तो चलो गाइज, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा। और गाइज, इन सारे मोड्स को डाउनलोड कैसे करना है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिलेगा। डिस्कॉर्ड सर्वर जल्दी से ज्वाइन कर लें, वहीं पर ही आप लोगों को इन सारे मोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो जल्दी आ जाएं डिस्कॉर्ड सर्वर पे, मेरे से बात बात भी कर सकते हैं आप लोग वहां पर। और भी गेम गाइज आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, और मुझे कौन सी सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी SMP शुरू करनी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और गाइस Q&A वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, तो थोड़ा सा और वेट कर लें, एकदम धमाकेदार वीडियो देगा आपका भाई आपको। और लव यू गाइस भाई को इतना सपोर्ट करने के लिए, ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। काटे काट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है, सारा पूछूं।